हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता, आपसे कोई लूट नहीं सकता या आपसे कभी दूर नहीं की जा सकती। फ्रेंड्स, मान लीजिए कि आपके पास पैसा, प्रॉपर्टी, दोस्त, यार, नाते रिश्तेदार, महंगे कपड़े, बंगला, गाड़ी, गहने, सब कुछ है, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी यह सोचा है कि यह ऐसी चीज़ें हैं जो कोई भी आपसे छीन सकता है या कोई भी आपसे लूट सकता है या ये चीज़ें आपसे दूर की जा सकती हैं? तो फिर ऐसा क्या है जो आपसे छीना नहीं जा सकता या दूर नहीं किया जा सकता? मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, वो है आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस, आपने अपने अंदर जो टैलेंट डेवलप किए हैं और जो स्किल्स अपने अंदर डेवलप की हैं। मैं इन सभी चीज़ों को एक चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। तो फ्रेंड्स, हो सकता है कि आपके जो फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, नाते रिश्तेदार हैं, वो आपसे दूरियां बना लें। हो सकता है आपके पेरेंट्स आपको अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दें, आपके कपड़े, आपकी गाड़ी, आपके गहने कोई आपसे लूट के ले जाए, लेकिन आपका नॉलेज जो आपने अलग अलग सोर्सेज से गैदर किया है, आपके अपने एक्सपीरियंस जो आपने बाहर निकल के खुद प्रैक्टिकली काम को करके या चैलेंजेस को फेस करके गेन किया है, या आपने अपने अंदर जो टैलेंट्स डेवलप किए हैं और आपने अपने अंदर जो स्किल्स डेवलप किए हैं, फ्रेंड्स, यह कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कभी भी आपसे लूटी नहीं जा सकती, जो कभी भी आपसे दूर नहीं की जा सकती और जो कभी भी आपसे कोई छीन नहीं सकता। इनफैक्ट फ्रेंड्स, अगर आपसे आपका सब कुछ कोई छीन कर आज आपको अकेला सड़क पर खड़ा भी कर दे, तो आप आपके नॉलेज और टैलेंट के दम पर सब कुछ वापस कमा सकते हैं। आपका पैसा, आपकी प्रॉपर्टी, नए फ्रेंड्स, आप सब कुछ वापस अपने हुनर और नॉलेज के दम पर बना सकते हैं, कमा सकते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, यह बहुत ज़रूरी है कि हम अलग अलग सोर्सेज से अपने नॉलेज को गेन करते रहें, बाहर निकलकर प्रैक्टिकली काम करके नए नए एक्सपीरियंसेस गेन करते रहें और अपने अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट्स और स्किल्स को डेवलप करते रहें, क्योंकि हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए अगर वाकई कोई ज़रूरी चीज़ें हैं तो वो हमारा वही नॉलेज है जो कि हमने गेन किया है, वो एक्सपीरियंसेस हैं जो गेन किए हैं और वो हुनर है जो हमने अपने अंदर डेवलप किया है। इनफैक्ट हमारा अगर कोई ट्रू एसेट है, हमारी अगर कोई सच्ची संपत्ति है, तो वो हमारा हुनर और ज्ञान ही है। फ्रेंड्स, अभी मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पेड़ के बारे में बताऊंगा। यह पेड़ चाइनीज बैम्बू का पेड़ है। यह चाइनीज बैम्बू का पेड़ इतना इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि आप इस पेड़ के सीड को, बीज को लेकर आते हैं, अपने गार्डन में लगाते हैं और 5 सालों तक इसके बीज को पानी देते हैं, उसकी देखरेख करते हैं, लेकिन फिर भी उसमें से एक बट भी नहीं निकलती। आप लगातार 5 सालों तक उस बीज की, चाइनीज बैम्बू के पेड़ के सीड की देखरेख करते हैं, लगातार 5 सालों तक उसको पानी देते हैं, लेकिन उसमें से आपको कुछ भी निकलता नहीं दिखाई देता, उसमें से कोई भी बड नहीं निकलती, यू सी एब्सोल्युटली नथिंग। लेकिन फिर अचानक सिर्फ 90 दिनों में, 3 महीने के समय में वो पेड़ 80 फीट का हो जाता है। कहने का मतलब लगभग 8-स्टोरी बिल्डिंग की ऊंचाई को वो पेड़ पकड़ लेता है सिर्फ 90 दिनों में, सिर्फ 3 महीनों में। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली ऐसा होता क्या है कि 5 सालों के लंबे समय तक उसमें से कुछ भी निकलता नहीं दिखाई देता, एक बट भी नहीं निकलती, और फिर अचानक सिर्फ 90 दिनों में, सिर्फ 3 महीने में वो पेड़ 80 फीट की ऊंचाई को हासिल कर लेता है, 8-स्टोरी बिल्डिंग के बराबर की ऊंचाई को पकड़ लेता है। फ्रेंड्स, एक्चुअली शुरू के 5 सालों में वो पेड़ सिर्फ और सिर्फ अपनी जड़ों पर काम करता है। वो 5 सालों में अपने रूट्स को इतने स्ट्रांगली फैला लेता है कि उसको
80 फीट की हाइट हासिल करने में भी ज्यादा समय नहीं लगता, वो सिर्फ 90 दिन यानी कि 3 महीनों में 8 स्टोरी बिल्डिंग की हाइट को पकड़ लेता है। सो फ्रेंड्स, यही करना है मुझे और आपको। हमको अपनी जड़ों को इतना स्ट्रांग बनाना है कि हमको फिर ऊंचाई हासिल करने में ज्यादा समय ना लगे। हमको अपना सारा समय और सारा फोकस इस बात पर देना है कि हमारी जड़ें मजबूत कैसे हों। और हमारी जड़ें मजबूत होंगी कैसे? हमारी जड़ें मजबूत होंगी अपने अंदर नॉलेज को बढ़ाकर, नए नए एक्सपीरियंसेस लेकर और अपने अंदर कुछ टैलेंट्स और स्किल्स को डेवलप करके। फ्रेंड्स, अगर आपने भी अपने अंदर नए कुछ अच्छे टैलेंट्स और स्किल्स डेवलप कर लिए हैं, आपने अपनी नॉलेज को बढ़ा लिया है और आप नए नए एक्सपीरियंसेस लेते रहते हैं, तो आपको भी सफलता की ऊंचाइयां छूने से कोई रोक नहीं सकता। हो सकता है कि इसमें थोड़ा समय लग जाए, लेकिन आप लोग यह कभी मत भूलिए कि सब्र का फल मीठा होता है। किसी भी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सक्सेसेस में सालों की मेहनत और हार्ड वर्क तो लगता ही है। कोई भी मीनिंगफुल और सिग्निफिकेंट काम चुटकी बजाते या तुरंत फटाफट नहीं होता। सो फ्रेंड्स, आप लोग भी अपने वैल्यूएबल टाइम को यहां वहां वेस्ट ना करके उसको इस बात पर फोकस करते रहें कि आप कैसे अपने नॉलेज को अलग अलग सोर्सेज से बढ़ा सकते हैं, कैसे आप नए नए एक्सपीरियंसेस गेन कर सकते हैं, कैसे आप अपने अंदर कुछ नए टैलेंट्स और स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि आप जब यह सब करेंगे तभी आपकी जड़ें मजबूत होंगी और जब आपके रूट्स स्ट्रांग होंगे तभी आप अपने लाइफ में रियल अकम्प्लिशमेंट्स को अचीव कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग ये कभी मत भूलिए कि आप कितना भी खूबसूरत मकान बना लें, लेकिन अगर उसकी नींव मजबूत नहीं है तो वो मकान ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगा और बहुत जल्दी ढह जाएगा। लेकिन भले ही मकान ज़्यादा खूबसूरत ना हो, लेकिन अगर उसकी नींव मजबूत है तो वो मकान एक बहुत लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रहेगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में भी आई होगी, अच्छी भी लगी होगी। अपने कमेंट्स करना मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा कोई नई बात, कोई नया थॉट लेके। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी स्ट्रांग, बी पॉजिटिव। बाय बाय।